दोस्तों कुछ लोग फैंसी नंबर के बहुत ही शौकीन होते हैं और वो चाहते हैं कि उनको उनके मनपसंद का नंबर मिले और VIP नंबर मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप BSNL के फैंसी नंबर को घर बैठे बुक कर सकते हैं और उस नंबर को अपने नाम पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे के भी वीडियो के लुत्फ उठाते रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के MyBSNL एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास MyBSNL एप्लीकेशन नहीं है तो। मेरे पास MyBSNL एप्लीकेशन ऑलरेडी मेरे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, तो मैं डायरेक्टली दोस्तों इसको ओपन करता हूं और इस पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट भी बनाया है, तो मुझे अकाउंट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि यहाँ पे एक फैंसी नंबर का सेक्शन दिख रहा होगा। अब दोस्तों इस फैंसी नंबर के सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक फैंसी और एक चॉइस, दो ऑप्शन आपके सामने दिख जाएंगे। आप यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस इसके देख लेंगे कि जैसे आप फैंसी नंबर को रिजर्व करेंगे आपके पास एक पिन आएगा और उस पिन को लेकर के आपको नियरेस्ट कस्टमर सर्विस सेंटर पे आपका एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के 48 घंटे के अंदर कस्टमर सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। ये फैंसी नंबर का है। सेम दोस्तों चॉइस नंबर के लिए भी रहेगा, लेकिन ये नंबर आप 72 आवर्स तक आप रिजर्व कर सकते हैं, मतलब 72 घंटों के अंदर आपको कस्टमर सर्विस सेंटर पे एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा खुद को। तो जैसे ही दोस्तों हम चॉइस नंबर की बात करें और हम चाहते हैं कि हम गुजरात सर्कल में मेरे मनपसंद का नंबर मैं चाहता हूँ। अब जैसे मैं गुजरात सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सर्च ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सर्च ऑप्शन पे क्लिक करूँगा मेरे सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आप जो नंबर चाहते हैं कंटेन, मतलब आप एक कोई स्पेसिफिक नंबर चाहते हैं, जैसे 123 है वो उस नंबर में इंक्लूड रहे, या फिर एंड विथ, वो नंबर ख़त्म हो इससे, या फिर बिगिन विथ, वो नंबर स्टार्ट हो इससे। ठीक है, अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो नंबर मैं चूज कर रहा हूं वो ख़त्म हो किससे, 15 से ख़त्म हो। जी हाँ, 15 उसके लास्ट में वो नंबर आना चाहिए जो मैं नंबर सेलेक्ट करना चाहता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे 15 लिखने के बाद सम ऑफ डिजिट्स को आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहां पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने गुजरात सर्कल में वो सारे नंबर दिख जाएंगे जिसके लास्ट में 15 रहेगा। आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। अब आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे नंबर सबके लास्ट में 15 आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको मनपसंद हो। तो उसके बाद दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं इस नंबर को कि 9426399 15 ये नंबर मैं रिजर्व करना चाहता हूँ अपने नाम पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा जो आपके नाम पे होना चाहिए या फिर आपके घर के किसी के भी नाम पे होना चाहिए, उस पे वो पिन जाएगा उसी। अब यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर सबमिट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलेक्टेड नंबर हैज़ बीन रिजर्व्ड सक्सेसफुली, द पिन इज सेंड टू मोबाइल, द पिन इज वैलिड फॉर 72 आवर्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप का मैसेज आ गया है। अब दोस्तों सिंपली आपको करना क्या होगा, बस वो मैसेज जो आपके नंबर पे आया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे नंबर पे वो मैसेज आ गया है, मैं आपको वो मैसेज दिखा देता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं, डियर कस्टमर द नंबर इज रिजर्व सक्सेसफुली विथ पिन, पिन भी दे दिया गया है फॉर इस जो टेलीफोन नंबर, सॉरी जो मोबाइल नंबर था उसके लिए ये नंबर रिजर्व हो गया है। अब दोस्तों इस SMS को लेकर के मुझे नज़दीकी BSNL ऑफिस पे जाना पड़ेगा, तो जो नंबर मैंने रिजर्व किया है वो मुझे अलॉट हो जाएगा। वहाँ पे फिर से आपको लेके जाना होगा वही ID कार्ड और एड्रेस प्रूफ, जैसा कि आधार कार्ड, ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको इस नंबर का सिम आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों हो गया चूज नंबर आप कैसे करें। सेम मैनर में दोस्तों अगर हम बात करें फैंसी नंबर की, तो आपको सिंपली यहाँ पे फैंसी पे क्लिक करना होगा और आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सर्कल में वो सिम कार्ड लेना चाहते हैं। उसके बाद जैसे दोस्तों मैं गुजरात में ये लेना चाहता हूँ, अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरा नंबर है वो एंड विथ 786 से वो ख़त्म हो नंबर। अब जैसे ही मैं दोस्तों सबमिट पे करूँगा फैंसी नंबर पे, इतने सारे नंबर जिसके लास्ट में 786 वाला नंबर आपको क्लियरली आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फैंसी नंबर लास्ट में 786 के इतने सारे नंबर आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो फैंसी नंबर है ये चार्जेबल रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1180 रुपये आपको इसके लिए पे करना होगा, जहाँ पे अगर आप इस नंबर को रिजर्व करते हैं तो जो SMS आएगा उसको लेकर के आप जाएंगे अगर वहाँ पे किसी भी नज़दीकी BSNL ऑफिस पे, तो वहाँ पे दोस्तों ये अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी 1180 रुपये, अगर आप फैंसी नंबर चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से घर बैठे आप अपने मनपसंद का या फिर फैंसी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और आप नज़दीकी BSNL ऑफिस जा करके किसी भी स्टेट में, मीन्स आप किसी भी स्टेट का नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और वहीं के नज़दीकी BSNL ऑफिस में जा करके आप ये नंबर अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर वो चॉइस नंबर है तो 72 घंटे के अंदर आपको जाना पड़ेगा अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, अगर फैंसी नंबर है तो वो 48 घंटे के अंदर आपको जाना पड़ेगा अपने नज़दीकी BSNL ऑफिस पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो और ऑफर्स पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।